खुशी हुई आपके स्टूडेंट आए। ये सुंदर कला दिखाने का जो अवसर प्राप्त हुआ है वैश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया। बरेली शहर के अंदर आज जो इतना आदमी परेशान रहता है उसको हंसी चेहरे पर लाने के लिए बरेली के अंदर जय कुमार जी ने अपना जादू का एक लगाया है, जादू दिखा रहे हैं, बच्चों को मनोरंजन दिखा रहे हैं। हमने आपको भी दिखाएंगे पूरा मामला क्या है। यहाँ पर आप आइए और आनंद लिए, काफ़ी अच्छी जादू की कलाएँ दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा कला दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में जो यहाँ पर जादू दिखाते हैं हम उनसे बात करते हैं और आपको दिखाते हैं। देखते रहिए आप हमारी खबर। जी क्या नाम है आपका? जय कुमार जी। बताइए जय कुमार जी, क्या संदेश देना चाहते हैं आज बरेली वासियों को? हमारे जो अपने शो को डिज़ाइन किया गया है, पहली बात तो जो जादू की कला है हमारे देश की वतन की कला है, इस चीज़ को जीवंत रखना चाहते हैं, जो कि हमारे देश में निरंतर ये कला विलुप्त होती जा रही है। विदेशों में इसको लोग बहुत हाईलाइट कर दिए हैं, वहाँ पे इसका अच्छा स्टेट मिल गया है। और हमने जो अपना शो डिज़ाइन किया है, ऐसे समाज की बहुत सारी बुराइयों को देखते हुए हमने मैजिक तैयार किया है, जैसे नशा मुक्ति, इंसान शराब पीता है, तो हम अपने जादू कला के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं आइटम, उससे लोगों को संदेश जाता है कि नहीं, शराब बहुत ख़राब चीज़ है, इसे नहीं पीना चाहिए, तो नशा मुक्ति। दूसरी चीज़, जो बेटियों को दहेज प्रथा का हमारे देश में बहुत ख़राब चलन है, उस चीज़ को भी कहीं ना कहीं हम ख़त्म करना चाहते हैं,
चूँकि ऐसी चीज़ें हमारे देश को कलंकित करती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस टाइप के हमने बहुत सारे लेसन डिज़ाइन किए हैं जो अपने कला शो के माध्यम से, जादू रंगमंच के माध्यम से हम लोगों तक ये संदेश देते हैं और लोग काफ़ी हमारी बात को सुनते हैं और समझते हैं और काफ़ी तालियां बजाते हैं। कितनी अच्छा संदेश देना चाहते हैं इन्होंने अपने जादूगर, जो हाथ की सफाई होती है उससे इन्होंने कार्यक्रम अपना जो संदेश चला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसका भी यहाँ पर एक कार्यक्रम करते हैं। शराब पीने से कितनी परेशानियाँ हैं, कितनी लोगों की दिक्कत आती है, पूरा पूरा घर खराब हो जाता है, उसका भी इन्होंने एक शो यहाँ पर उसका भी शो दिखाते हैं। बहुत सी चीज़ें जो बुराई चीज़ें हैं उसको दूर करने के लिए यहाँ पर जय कुमार जी के द्वारा जादू दिखाया जा रहा है और उससे बरेली के संदेश भी दिया जा रहा है कि आप आइए और आकर देखिए। काफ़ी अच्छा यहाँ पर कार्यक्रम दिखा रहे हैं। आज चिल्ड्रन डे के मौके पर काफ़ी स्कूल के बच्चे भी यहाँ पर आए हैं, इन्होंने जादू देखा है और हर एक बच्चे के चेहरे पर पढ़ाई का इतना बोझ होता है कि जिससे वो परेशान रहते हैं। आज यहाँ पर जब उन्होंने जादू देखा है तो तालियों से गूंज उठा है पूरा हॉल और हर एक बच्चे के चेहरे पर खुशी रही है। हम आपको दिखाते हैं, देखते रहिए आप ऑलराइट न्यूज़ बरेली से। कुछ खास जानकारी भी जय कुमार द्वारा हम आपको दिखाएंगे, आप देखते रहिए। माता जी बताइए, हमारे शो में खास बात ये है हमें ज़्यादातर फॉरेन कंट्री में, विदेश में, जापान में, थाईलैंड, कोरिया, ऐसे कंट्री में हमने शो किया है और उस शो को इंडियन कल्चर में तैयार किया है। लेकिन एक जो हमारे शो का सबसे बड़ा इल्यूज़न है वो एक इंसान को, जिंदा इंसान को तोप में डाल के ब्लास्ट कर देना है। तो ये एक शहीदों के लिए हमने डिज़ाइन किया शो, जो आज़ादी में ऐसे हमारे देश के नौजवान थे जो शहीद हो गए हैं, उनको हमारे देश के कुछ लोग नहीं जानते हैं, तो उन विलुप्त शहीद जो हुए हैं उस माध्यम से हमने मैजिक तैयार किया है। और हमारे शो का सबसे बड़ा जादू है एक इंसान को जिंदा तोप में डाल के ब्लास्ट कर देना और फिर इस शहीद को वापस सही सलामत लाना। इससे बड़ा जादू जो आखिरी एक कार्यक्रम ये दिखाते हैं जिसके अंदर शहीदों का बताया गया है। जब अंग्रेज़ों से पहले अंग्रेज़ जब यहाँ पर हुकूमत करते थे कैसे हिंदुस्तानियों को कैसे कितना परेशान करते थे, कितना जुल्म करते थे, तो उसी के लेकर इन्होंने एक ये भी शो दिखाया है कि तोप में जिंदा आदमी को डाल देते हैं, उसके बाद उसको ब्लास्ट कर देते हैं और जादू द्वारा उसको दूसरी जगह से बुला के उसे जिंदा वो कर देते हैं। हम आपको दिखाते हैं ये भी एक शो, हम आपको दिखाते हैं, बने रहिए आप हमारे साथ। कौन से स्कूल से हैं? आप भी इस जय कुमार के शो में सारे स्कूल के बच्चे को लेकर आए हैं, कैसा लगा है आपको? क्या संदेश देना चाहते हैं स्कूल के बच्चों के द्वारा? आप देख सकते हैं कि बच्चे कितना खुश हैं, जादू देखकर आए हैं जय कुमार जी का, कितना खुश हैं और कितना इन्जॉय करा है इन्होंने आज चिल्ड्रन डे के मौके पर। हमारे साथ जुड़ गए हैं इस शो के प्रबंधक अतुल जोशी जी। बताइए अतुल जोशी जी, इस जादू में कितने शो चलते हैं और क्या क्या खूबियाँ हैं इस? सबसे पहले तो बरेली वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना प्यार आशीर्वाद से हम लोग का शो बहुत बढ़िया चल रहा है, लोग का प्यार मिल रहा है और हमारा रोज़ाना 2 शो में चलाया जा रहा है, 1 बजे से और शाम 7 बजे से। संडे के दिन यानी छुट्टी वाले दिन 3 शो चलाए जा रहे हैं, 1 बजे से, 4 बजे से और संध्या 7 बजे से। बरेली वासियों को भरपूर प्यार मिल रहा है और स्कूल से भी यहाँ बहुत बच्चे आ रहे हैं। आज BL इंटरनेशनल स्कूल से बच्चे आए, रेडियंट स्कूल से आए, बहुत सारे स्कूल से बच्चे लोग आ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं बरेली वासियों को जो अपना महत्वपूर्ण समय, कीमती समय निकाल कर हमारे मैजिक शो में आ रहे हैं, अपना कीमती वक्त दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैजिक देखने आ रहे हैं बरेली वासियों को, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय कुमार ग्रुप की तरफ से पूरे बरेली वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हम लोग का शो देखने आ रहे हैं, प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बरेली वासियों। इंडियन स्कूल के टीचर NK शर्मा जी भी अपने स्कूल के स्टूडेंटों को और बच्चों को जय कुमार का जादू दिखाने आए हैं, हम इनसे बात करते हैं। बताइए जी, जय कुमार एंड ग्रुप द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम बड़ा ही सराहनीय और प्रशंसनीय रहा, बच्चों ने खूब इंजॉय किया, धन्यवाद। क्या संदेश देने जाते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? इस जादूगर ने जो शो दिखाया तमाम भारतीय सपूतों और क्रांतिकारियों से संबंधित भी कार्यक्रम था, बड़ा ही सुंदर रहा। टीचर डे के मौके पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं बच्चों को? टीचर्स डे
के इस पर भाईचारा और एकता और अपने क्रांतिकारी भाइयों को द्वारा याद करने की ये प्रेरणा देता है, यही संदेश है।